गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। कैसे हो सब लोग? तो जून के करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा था, टॉप 200 वन लाइनर्स का, आज उसका पार्ट टू है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो पार्ट वन। आज पार्ट टू है, जो बाकी हिस्सा है जून के करंट अफेयर्स का, जो टॉप 200 वन लाइनर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका जो बाकी पार्ट है वो इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना अगर सही लगे तो। और चलो सेशन स्टार्ट करते हैं सीधा। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है आज का, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल डिस्ट्रीब्यूट 50 लाख मेडिसिन किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एमोंग चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 50 लाख मेडिसिन किट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। PMGKAY इज एम टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ पुअर पीपल ऑफ इंडिया बैडली अफेक्टेड बाई COVID-19 पैंडेमिक। PMGKAY ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के चलते हुए ये डिसाइड किया गया है कि 80 करोड़ जो गरीब इंसान है देश के, जो कि बैडली अफेक्टेड है बाई COVID-19, उनको फ्री फूड ग्रेन्स डोनेट किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखते हैं, द 31st फॉर्मल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाटो बोला जाता है या फिर नाटो बोला जाता है, वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो जो नाटो का जो 31st फॉर्मल मीटिंग था, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के हेड का जो फॉर्मल मीटिंग था, 31st मीटिंग, वो कहाँ पे हुआ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ है। USAID will grant $115 million टू एल सल्वेडोर टू स्लो माइग्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। USAID क्या करेगा, एल सल्वेडोर को 150 मिलियन ग्रांट दे रहा है, $115 million ग्रांट दे रहा है टू स्लो माइग्रेशन फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। सेंटर हैज़ एलोकेटेड ओवर ₹3,180 करोड़ टू आंध्र प्रदेश अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के चलते हुए सेंट्रल हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ एलोकेट कर रहा है पैसा, तो आंध्र प्रदेश को कितना एलोकेट किया गया है, ₹3,180 करोड़। RBI has released consultative documents on regulation of microfinance. तो जो microfinance का consultative documents है, microfinance के regulation का जो consultative document है, उसको RBI ने release किया है। तो ये जो document है, RBI के द्वारा release किया जाता है। आगे देखते हैं। GI certified जर्दालू mangoes from Bihar have been exported to UK recently. Recently UK में क्या export किया गया है, जर्दालू mangoes, जो कि GI सर्टिफाइड है। और ये जर्दालू मैंगोस कौन से स्टेट का है, बिहार का है, याद रखना। आगे देखते हैं, ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 15। हर साल 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन June 15 फ्रॉम 2016। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये जो डे है कब से मनाया जाता है, 2006 के 15 जून से इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। रेलवे विल इन्वेस्ट ₹55,000 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सिग्नलिंग आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए और भी अच्छा करने के लिए रेलवे ने डिसाइड किया है कि ₹55,000 करोड़ वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अमित शाह हेल्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू द प्रिपेयरनेस टू डील विथ फ्लड सिचुएशन इन द कंट्री। अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग किया है किस क्या रिव्यू करने के लिए, जो प्रिपेयरनेस है, जो तैयारी है फ्लड सिचुएशन का देश में, उससे कैसे डील किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके लिए, ये देखने के लिए, ये रिव्यू करने के लिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेस्ड इनागुरल सेरेमनी ऑफ ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021। जो ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस का इनागुरल सेरेमनी है 2021 का, उसको एड्रेस किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। सेंटर हैज़ एलोकेटेड ₹3,691 करोड़ टू तमिलनाडु अंडर जल जीवन मिशन टू मेक प्रोविजन ऑफ टैप वाटर सप्लाई टू एवरी होम।
देखो तो जल जीवन मिशन के तहत तमिलनाडु को कितना मिला है, ₹3,691 करोड़ रुपए मिला है, और वो टैप वाटर सप्लाई के लिए दिया गया है ताकि हर एक घर पे टैप वाटर पहुंच जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मुकुंद गोसावी एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यू टू हिज सेल्फलेस सर्विस। जो मुकुंद गोसावी है उनका जो सेल्फलेस सर्विस है उसके चलते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विल सून सेट अप वैदिक एजुकेशन बोर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ संस्कृत नॉलेज। जो संस्कृत नॉलेज है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको फिर से ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिसाइड किया है कि वो वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ₹5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड में जो सब बच्चे का मतलब पेरेंट्स जो है वो उनका डेथ हो गया है, तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। रेंगनर बिकम्स फर्स्ट विलेज इन छत्तीसगढ़ वेयर एवरी एलिजिबल पर्सन गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो रेंगनर एक ऐसा गांव है जो कि छत्तीसगढ़ में है, जहाँ का जितने सारे एलिजिबल पर्सन से सभी को वैक्सीन लग चुका है कोविड-19 का। ये पहला गांव बना है इंडिया का इस तरीके का। इम्बलम सेल्वम हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज स्पीकर ऑफ पुडुचेरी असेंबली। पुडुचेरी असेंबली के जो स्पीकर बने हैं उनका नाम है इम्बलम सेल्वम, और मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ है, कोई भी उनका ओपोनेंट नहीं था, वो अनअपोज्ड तरीके से बन गए हैं स्पीकर। डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल हाई लेवल इवेंट ऑन ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन। जो ग्लोबल ड्राइव है टीबी प्रिवेंशन को रोकने के लिए, उसका जो हाई लेवल इवेंट था, वर्चुअल इवेंट, वहां पे डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया है। कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाई पीएम मोदी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल्स फॉर डीप ओशन मिशंस एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स। तो जो कैबिनेट कमेटी है जिसका हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स के चलते हुए ये अप्रूव दिया है, जो प्रपोजल मिला था डीप ओशन मिशन का और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स का, उसका जो प्रपोजल मिला था उसको अप्रूव कर दिया है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन गुजरात। गुजरात के लोथल में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। पीएम केयर फंड फंड ट्रस्ट विल एलोकेट ₹41.62 करोड़ टू एस्टेब्लिश 2 मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल्स बाई DRDO इन वेस्ट बंगाल। पीएम केयर फंड क्या किया है, एलोकेट किया है ₹41.62 करोड़ किसके लिए, 2 मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए। वो कौन बनाएगा, DRDO बनाएगा, और कहाँ पे बनाएगा, वेस्ट बंगाल पे बनाएगा, याद रखना अच्छे से। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से कि कौन बनाएगा हॉस्पिटल, DRDO बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, वेस्ट बंगाल। तुमको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल पे 2 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए किसको परमिशन मिला है, या फिर इस तरीके से दिया जा सकता है कि DRDO जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएगा कोविड का, वो कौन से स्टेट में बनाएगा, तो याद रखना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश विल सेट अप एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कोविड-19। बांग्लादेश क्या करेगा, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाएगा वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीन भी बनेगा। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैव बीन इनागुरेटेड इन कर्नाटक अंडर इंडो इसराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट। इंडो इसराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के अंदर कर्नाटक में क्या हुआ है, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, थ्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है जिसका इनागुरेशन हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया हैज साइंड US$484 मिलियन लोन टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका जो रोड नेटवर्क है उसको अपग्रेड करने के लिए इंडियन ADB ने एक लोन अमाउंट साइन किया है, जिसका अमाउंट क्या है, 484 मिलियन US डॉलर। इंडिया एंड किर्गिज रिपब्लिक रिव्यूड द बायलेटरल कोऑपरेशन इन डाइवर्स एरियाज। इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक ने क्या किया है, बायलेटरल कोऑपरेशन जो है डाइवर्स एरिया में उसको रिव्यू किया है।
लद्दाख विल लॉन्च नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी रेडियोज बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही लद्दाख क्या करने जा रहा है, एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी रेडियोज लॉन्च करने जा रहा है। सीएम ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के सीएम है। एम के स्टालिन जी ने क्या किया है, हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू स्कीम फॉर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। एक नया स्कीम का इनॉग्रेशन किया है बच्चों के लिए जिनका पेरेंट का डेथ हो गया है कोविड के दौरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाई 50% बाई 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एम किया है कि जो रोड एक्सीडेंट का रेट है उसको 50% तक रिड्यूस करेंगे बाई 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ऑपरेशनलाइज नेशनल हेल्पलाइन फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, ऑपरेशनलाइज नेशनल हेल्पलाइन लॉन्च किया है किसके लिए, जो फाइनेंशियल लॉस है ड्यू टू साइबर फ्रॉड के चलते हुए जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत वर्चुअली इनॉग्रेटेड 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंशन सेंटर। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, उन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंशन सेंटर्स का। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है वैक्सीनेशन के लिए, और वैक्सीनेशन ऑब्वियसली कोई बोलने वाला बात नहीं है कि कोविड के लिए है, कोविड-19 का ही वैक्सीनेशन का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। राजनाथ सिंह हैज़ डेडिकेटेड 12 रोड प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू नेशन। राजनाथ सिंह ने क्या किया है, डेडिकेट किया है 12 रोड प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ब्रो बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ये डेडिकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या किया है, एक गाइडलाइन रिलीज किया है फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग। जो घर से अभी पढ़ाई हो रहा है उसमें पेरेंट को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए इसका जो गाइडलाइन है उसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जान है तो जहान है कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन का जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं वो लोग, और कैंपेन का नाम क्या दिया है, जान है तो जहान है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ₹102 करोड़ स्कीम टू प्रिवेंट मैरीन सैलिनिटी इन कोस्टल विलेजेस ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि कितने अमाउंट का, ₹102 करोड़ का जो स्कीम है उसका अप्रूवल दिया है टू प्रिवेंट मैरीन सैलिनिटी, जो मैरीन सैलिनिटी है उसको रोकने के लिए, और कहाँ पे रोकने के लिए, जो कोस्टल विलेजेस ऑफ विलेजेस है सौराष्ट्र का वहाँ पे। इंडिया एंड भूटान हैव इंक्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। जो एरिया ऑफ एनवायरनमेंट है वहाँ पे डेवलप करने के लिए, एक कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए इंडिया एंड भूटान ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। आरबीआई ने क्या किया है, वो लोग ग्रांट दे रहे हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को ये ग्रांट दिया जा रहा है किसके लिए, टू सेट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सीएम ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन जी, अब तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि सेशन में 3-4 बार इनका नाम आ चुका है कि तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम के स्टालिन उनका नाम है। एम के स्टालिन जी हैज़ इनॉग्रेटेड स्कीम फॉर श्रीलंकन तमिल्स लिविंग इन द स्टेट। एक स्कीम का उन्होंने और इनॉग्रेट किया है, वो स्कीम किसके लिए है, जो श्रीलंकन तमिल्स है जो कि तमिलनाडु में रहते हैं अभी। एक बात बताओ, एक सेशन के तुम लोगों को चाहिए कमेंट में बता देना, अगर तुम लोग बोलोगे कि चाहिए इस तरीके का सेशन तो मैं ज़रूर बना दूंगा कि हर एक स्टेट का सीएम और गवर्नर का नाम, जितना भी स्टेट है इंडिया का, स्टेट हो या यूनियन टेरिटरीज का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लोग, उनके नाम जो है वो मैं एक सेशन में करा दूंगा। अगर चाहिए इस तरीके का सेशन तो कमेंट में ज़रूर बताना।
उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ओवर 5.5 करोड़ कोविड टेस्ट। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जो कि 5.5 करोड़ कोविड का टेस्ट करवा चुका है। एडीबी हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन $250 million लोन टू इम्प्रूव इंक्लूसिवनेस इन सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन बांग्लादेश। एडीबी ने क्या किया है, 250 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव किया है बांग्लादेश के लिए। किसके लिए? सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बांग्लादेश का, उसका जो इंक्लूसिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए। बीसीसीआई हैज अप्रूव 10 करोड़ टू सपोर्ट इंडियाज ओलंपिक कैंपेन इन टोक्यो। इंडिया का जो ओलंपिक कैंपेन है, जो ओलंपिक के लिए एथलीट जा रहे हैं टोक्यो में, उनको सपोर्ट करने के लिए बीसीसीआई ने 10 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 दिव्यांगता खेल केंद्र इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि वो लोग 5 दिव्यांगता खेल केंद्र बनाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में। तो इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। नेशनल आयुष मिशन हैज ऑर्गेनाइज 12-आवर वर्चुअल योगा सेशन योगाथन इन केरला। तो जो योगा सेशन था इसका नाम दिया गया है योगाथन। नेशनल आयुष मिशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, एक 12-आवर वर्चुअल योगा सेशन था। 12 आवर बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए इसको मैराथन के जैसे नाम रखा गया था, योगाथन। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस लैंडमार्क ऑफ एडमिनिस्टरिंग 20 मिलियन वैक्सीन। महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जो कि 20 लाख वैक्सीन 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ वैक्सीन डोज जो लोग दे चुके हैं लोगों को। सीएम ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम का नाम क्या है, नवीन पटनायक, हैज अनाउंस्ड स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑर्फेंस। उन्होंने एक स्पेशल स्कीम अनाउंस किया है जो कि ऑर्फेंस है, अनाथ है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का। गुजरात हैज लॉन्च स्टेट वाइज मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन टू वैक्सीनेट एवरीवन। गुजरात ने क्या लॉन्च किया है, एक स्टेट वाइज मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है सबको वैक्सीनेट करने के लिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट ऑन June 22। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन का नाम क्या है, संजय धोत्रे। वो क्या करेंगे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट में, जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीट है और जो कब हो गया है, June 22 को हो गया है, वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे देश को। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन हैज इनॉग्रेटेड मिन्नागम कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर इन चेन्नई। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है मिन्नागम कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर, जो कि चेन्नई में है, उसका इनॉग्रेशन किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन जी ने। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन June 21। जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड सोर्सेज अप टू 30 जून 2025। क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस है उसको एक वेवर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब छूट दिया है। किसके लिए ये चार्जेस लिया जाता था, ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड सोर्सेस। सोलर एंड विंड सोर्सेस से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता था उसका जो ट्रांसमिशन होता था उसमें एक सिस्टम चार्ज लगता था, ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज, उसको गवर्नमेंट ने छूट दिया है अप टू 30 जून 2025 तक। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हैज़ कंस्टिट्यूटेड 7-मेंबर कमिटी टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से कंप्लेन गया था कि वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, मतलब वोट हुआ था, जो इलेक्शन है वो हुआ था, उसके बाद वायलेंस का इंसिडेंट सुनने में आया है और कंप्लेन गया है। इसके लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने क्या किया है, एक 7-मेंबर का कमेटी बनाया है इसको इंक्वायरी करने के लिए। संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन लॉन्च्ड इन IOS डिप्लोमा कोर्स इन योगा साइंस। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, IOS में लॉन्च किया है एक डिप्लोमा कोर्स इन योगा साइंस, वो योगा साइंस के ऊपर डिप्लोमा कोर्स।
अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट इंडिया रिसीव्ड यूएसडी 64 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला जा रहा है, इंडिया को 64 बिलियन यूएस डॉलर मिला है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये अमाउंट इंडिया को मिला है 2020 में। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन, जो गवर्नर है आंध्र प्रदेश का, उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन, रिलीज्ड स्पेशल पोस्टल कवर ब्रॉट आउट बाय इंडिया पोस्ट ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिलीज किया है एक स्पेशल पोस्टल कवर जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा बनाया गया है। सीएम ऑफ गुजरात विजय रूपानी, तो गुजरात के सीएम का नाम क्या है, विजय रूपानी, हैज़ ई लॉन्च्ड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने ई लॉन्च किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च कर दिया है वर्चुअली एक एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। नागालैंड गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ रुपीज 2000 ईच टू बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके हर एक के अकाउंट में 2000 रुपये देने का डिसीजन लिया है नागालैंड गवर्नमेंट ने। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू 25 लाख रूरल हाउस होल्ड्स दिस ईयर अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के चलते हुए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोग 25 लाख तक रूरल हाउस होल्ड्स में, मतलब गांव का जो घर है, 25 लाख गांव के घर में टैप वाटर प्रोवाइड कर देंगे। सीएम ऑफ कर्नाटक बी एस येदुरप्पा, तो कर्नाटक के सीएम कौन है, बी एस येदुरप्पा, विल लॉन्च स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग इन हायर एडुकेशन। वो क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, किसके लिए, जो हायर एडुकेशन है डिजिटल लर्निंग का, उसको प्रमोट करने के लिए। इंडिया एंड फिजी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर फील्ड। जो एग्रीकल्चर है एंड एलिट सेक्टर फील्ड है उसमें कोऑपरेशन के लिए इंडिया एंड फिजी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन पैकेज ऑफ यूएस डॉलर 940 मिलियन फॉर बांग्लादेश फॉर परचेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो बांग्लादेश क्या करना चाहता है, बांग्लादेश कोविड-19 वैक्सीन खरीदना चाहता है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने 950 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया है। मनप्रीत सिंह हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ मेन्स हॉकी टीम फॉर ओलंपिक्स। तो इंडिया का जो मेन्स हॉकी टीम है जो कि ओलंपिक्स में जा रहा है उसका कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह को डिसाइड किया गया है एज ए कैप्टन। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, कि वो लोग क्या करेंगे, 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाएंगे फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पॉलिसी है गुजरात गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस कर दिया गया है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रूरल प्रॉपर्टी सर्वे। जो रूरल प्रॉपर्टी सर्वे है उसको कंप्लीट करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आसाम के स्टेट गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 23। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1941। जो इंटरनेशनल ओलंपिक है वो कब मनाया जाता है, 23 जून को वो मनाया जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1941 में। थीम ऑफ यूएन पब्लिक सर्विस डे इनोवेटिंग द पब्लिक सर्विस डे, थीम क्या है पब्लिक सर्विस डे का, थीम क्या है, इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच SDGs। तो थीम क्या रखा गया है, इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। IDI has transferred seized assets of over rupees 9,371 crore
जो सीज किया गया है इतना अमाउंट आईडीआई के द्वारा वो ट्रांसफ़र कर दिया है उन्होंने फ्रॉम विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी टू पीएसबी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये 9371 करोड़ रुपए जो कि कहाँ किसके पास से सीज किया गया है, विजय माल्या के पास से, नीरव मोदी के पास से एंड मेहुल चौकसी के पास से। कर्णम मलेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड, कर्णम मलेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वो जो फर्स्ट वाइस चांसलर है वो कौन बने हैं, कर्णम मलेश्वरी। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट टेम्पोररी बीपीएल रेशन कार्ड्स टू ऑरफन्स अप टू 28 ईयर्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करेगा, टेम्पोररी बीपीएल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑरफन्स अप टू 28 ईयर्स। मिशन यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर, मिशन यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर विल सपोर्ट मोर देन 2,500 स्टूडेंट्स एनुअली टू प्रिपेयर टू कॉम्पीट एट नेशनल लेवल इन वेरियस एग्जाम। जो मिशन यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का वो क्या करेगा, हर साल 2,500 स्टूडेंट को वो लोग सपोर्ट करेंगे टू कम्पीट एट नेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लिए, कहाँ पे, जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल का उसमें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड ऑनोरारियम ऑफ आशा वर्कर्स बाय ₹1,000 एंड एडिशनल ₹500 एज कोविड अलाउंस फ्रॉम July 1। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ऑनोरारियम है आशा वर्कर्स का वो बढ़ा दिया है, ₹1,000 कर दिया है एंड एडिशनल और ₹500 वो लोग दे रहे हैं एज एन अलाउंस, कोविड अलाउंस। और ये कब से दिया जाएगा, 1 जुलाई से दिया जाएगा। ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड डिफीटेड इंडिया बाई 8 wickets टू विन फर्स्ट एवर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। जो ICC का फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुआ था वहाँ पे हम लोग हार चुके हैं 8 wickets से न्यूजीलैंड के पास। वेस्ट बंगाल हैज़ टच्ड द माइलस्टोन ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ 2 करोड़ डोजेस। तो वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ डोजेस जो है वो कम्प्लीट हो चुका है वैक्सीनेशन का। IFSC has constituted a committee to examine global best practices in financing and leasing. The committee will be headed by Vandana Agarwal. IFSC ने क्या बनाया है, एक कमिटी बनाया है के लिए एग्जामिन करने के लिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन फाइनेंसिंग एंड लीजिंग। फाइनेंसिंग एंड लीजिंग के ऊपर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसको एग्जामिन करने के लिए IFSC ने एक कमिटी बनाया है। और इस कमिटी का हेड कौन है, इस कमिटी का हेड है वंदना अग्रवाल। आगे देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन शेयर टीबी मुक्त भारत मीटिंग विथ वेरियस डेवलपमेंट पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री वर्चुअली। हर्षवर्धन ने क्या किया है, टीबी मुक्त भारत मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है विथ वेरियस डेवलपमेंट्स पार्टनर्स ऑफ मिनिस्ट्री। जो डेवलपमेंट पार्टनर्स है मिनिस्ट्री के अलग अलग, उनके साथ उन्होंने ये शेयर कर लिया है वर्चुअली। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ सेवरल रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹6,000 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है, किसने, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी जी ने। और ये कॉस्ट क्या है, रोड प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ₹6,000 करोड़। और इसी के साथ जो डिस्कशन है जून के करंट अफेयर्स का वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो जून में हम लोग 201 liners पढ़ चुके हैं, जो PDF है वो पार्ट 1 का वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके लर्नोलॉजी लिख के सर्च कर लेना, चैनल का जो लोगो है वही लोगो वहाँ पे है, ज्वाइन कर लेना। इस सेशन का भी PDF मैं डाल दूंगा, सेशन ख़त्म हो रहा है अभी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लेना और नोट्स अच्छे से बना लेना और पढ़ लेना, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।